मेट्रो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। शिवसेना की विरासत बनाम वफादारी को लेकर लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। इस दौरान महाराष्ट्र शिंदे गुट के लोग आज चुनाव आयोग से मिलेंगे और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर के लिए दावा पेश करेंगे। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम ने लंबा दांव खेला है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उद्धव ठाकरे समूह को धनुष और तीर चुनाव चिन्ह से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जो लोग गए हैं, कुछ लोक प्रतिनिधि गए हैं, वो भी पूरे नहीं गए, कुछ प्रमाण में गए हैं, लेकिन संगठन लोक प्रतिनिधि बोल तो संगठन नहीं होता है। संगठन एक अलग व्याख्या है, अलग संकल्पना है। और ये शिवसेना पूरी की पूरी माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ है। उसके बारे में सभी जो जो कुछ दस्तावेज रखना है शिवसेना रखेगी, रखे गए है, और इसलिए शिवसेना को ही न्याय मिलेगा, इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। दो तिहाई लोग में से 16 लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, ये इशू चालू है। सब में पहले ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया है और ये शिवसेना लेके नहीं गई थी, वो ही खुद गए हैं। इसके बारे में सब में पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना चाहिए और बाद में तुम्हारे पास दो तिहाई रहते क्या, वो देखना पड़ेगा। शिवसेना की एक स्वतंत्र घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब है, उनको पूरे अधिकार शिवसेना के है और वो अधिकार से जो अधिकार से वो शिवसेना चलाती है वही शिवसेना है। इसके बारे में शिवसेना को 100% इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये शिवसेना के साथ में रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये जो इलेक्शन कमीशन में चालू ये अलग बात है, लेकिन अंधेरी का बात अलग है। शिवसेना सेना है, सेना हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसी प्रकार अंधेरी भी शिवसेना लड़ने के लिए तैयार है और सिर्फ लड़ेंगे नहीं तो जीतेगी भी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, तो एक बार फिर से जो रियल सेना की जंग है वो पहुंच गई है ईसी के सामने, तो आज कितने बजे इलेक्शन कमीशन से अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से? जी बिल्कुल इंद्र जी, देखिए साफ तौर पर ये सेना बनाम सेना अब ईसीआई के दफ्तर तक पहुंच चुकी है और सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई थी शिंदे गुट द्वारा। आपको याद हो ये जो पेटिशन है ये 4 अक्टूबर को डाली गई थी और इसके लिए कहा गया था कि अर्जेंट हियरिंग बुलाई जाए ईसीआई द्वारा ताकि यह पता चल सके कि असली सेना कौन है, पार्टी सिंबल का दरअसल हकदार कौन है। आपको बता दें इसमें ये बड़ा महत्व इसलिए रख रहा है क्योंकि 3 नवंबर को बाई इलेक्शंस होने हैं, ईसीआई ने पूरा स्केड्यूल जाहिर कर दिया है। ऐसे में अंधेरी से जो एमएलए रमेश लटके नहीं रहे उनके सीट पर कौन चुनाव लड़ने वाला है ये ज़्यादा महत्व रखता है शिंदे गुट के लिए और उद्धव ठाकरे गुट दोनों के लिए। और इसी में थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए शिंदे गुट ने ईसीआई को अपने एप्लीकेशन में ये कहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे गुट अपने पार्टी सिंबल का दुरुपयोग ना करे, मिसयूज ऑफ सिंबल जिसे कहते हैं, उसके चलते आप जल्दी से जल्दी इंटरवीन करें, उसकी सुनवाई रखें। अर्जेंट हियरिंग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पार्टी सिंबल जल्दी से जल्दी हमें दे दिया जाए। आपको बता दें इंद्रजीत, एक कॉलम उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने एप्लीकेशन में जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि उनके पास 40 विधायक हैं, तकरीबन 1600 से ज़्यादा वर्कर्स हैं और यही उनके मुकाबले उद्धव ठाकरे गुट में 0 है। हालांकि इसका पूरा विचार विमर्श अब ईसीआई को करना है और यह देखना होगा कि क्या आज ये लिस्ट होता है, सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा। पार्टी सिंबल एक मतलब शिंदे गुट के पास जाना यानी एक तौर पर पूरी तरीके से सत्ता जो शिवसेना की है उनके पास जाना होगा। जी बिल्कुल, तो और इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट ने पहल करते हुए अपनी दावेदारी श्वेता उन्होंने पेश कर दी है और उन दावों में अपना पूरा पलड़ा भारी दिखाते हुए उन्होंने लिखा भी है कि 40 विधायक उनके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।